आ गए हैं सेवन सिस्टर की छठी सिस्टर के यहाँ त्रिपुरा में। जब त्रिपुरा के बारे में बात करो कि त्रिपुरा जाना है तो लोग कहते हैं त्रिपुरा क्यों जाना है ही क्या वहाँ पे, तो आप हमारे साथ रहिए, हम आपको दिखाएंगे कि त्रिपुरा में क्या क्या है, आप क्या क्या देख सकते हैं, क्या 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 खा सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं, सब हमारे आने वाले इस त्रिपुरा सीरीज में। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ट्रैवलर्स पर। कल ही सवारी से चलने के बाद, बड़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद हम पहुंच गए धर्मनगर। स्पीड तो ठीक ठाक बनी हुई थी अभी तक, लेकिन जैसे ही हमने ये मेघालय के बॉर्डर के आसपास आए ना, मतलब जोवई वाला जो एरिया क्रॉस किया है, तब से रोड थोड़ा सा खराब हो गया है, जहाँ गाड़ी निकालने में अच्छी खासी प्रॉब्लम आती है। Ever try to drive on this road in monsoon. Right now it's completely dry. आप देख सकते हो गड्ढे कहाँ हैं, कैसे हैं, कहाँ पत्थर निकल रहा है। बट जब यहाँ भरा हो पानी मॉनसून में, तो भाई फिलहाल हो रहे हैं 4:17, ट्रैवल हो गया है 470 किलोमीटर। हम चल रहे हैं इंडिया बांग्लादेश के बिल्कुल बॉर्डर पर, करीमगंज आने वाला है। अभी हमने क्रॉस किया है बदरपुर टाउन, 5:10 में अभी ट्रैवल हो गया है लगभग 510 किलोमीटर, और धर्मनगर पहुंचने में अभी 1 घंटा बचा है। सो गाइस, 11 घंटे का ड्राइव टाइम कवर कर हम आ गए हैं धर्मनगर त्रिपुरा में, और थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद मिला है ये गेस्ट हाउस, जिसका नाम है लोकनाथ गेस्ट हाउस। ये धर्मनगर के SP मुखर्जी रोड पर है। रूम की बात कर लिया एक्चुअली अंदर, ये है एंट्री, लोकेशन गाइस मैं डाल दूंगा। बहुत साफ सुथरा है गेस्ट हाउस, बिल्कुल नया बना हुआ है। रूम जस्ट 1300 रुपीज राइट नाउ, इट्स ऑफ सीजन। एंड दैट्स द फूड अवेलेबल इन दिस नाइस होटल, वेज थाली। तो हम खा लेते हैं खाना और आपसे मिलते हैं कल सुबह। क्रैप, अभी निकलना था उनाकोटी के लिए, बट बाहर भयंकर वाला फॉग हो रहा है दोस्तों। सो गाइस, 2 जनवरी 2023, अभी टाइम हो गया है सुबह के लगभग 9, बाहर अच्छा खासा फॉग है, इसलिए आज हमने अपनी जर्नी कर दी है थोड़ी सी डिले, यानी थोड़ा लेट निकल रहा है। अभी हमें निकलना है धर्मनगर से उनाकोटी के लिए। उनाकोटी जो कि एक बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है त्रिपुरा का, कहिए तो त्रिपुरा का मोस्ट क्या है, एक मेजर अट्रैक्शन है त्रिपुरा का, जिसने त्रिपुरा को टूरिस्ट मैप पे लाके खड़ा कर दिया है। उनाकोटी क्या है, वहाँ क्या क्या है देखने को, उसके पीछे की लेजेंड्स, उसके पीछे की स्टोरी हम आपको वहीं चल के बताते हैं। फिलहाल टाइम है लोकनाथ गेस्ट हाउस से चेकआउट करने का, स्टे अच्छा रहा, रूम्स अच्छे थे, लोकेशन भी ठीक ठाक है। अभी मिलते हैं आपसे बाहर रोड। सो गाइस, पेमेंट डन, नाउ टाइम टू लीव लोकनाथ गेस्ट हाउस। और बेस्ट पार्ट, कल अंकल ने ना हमें रात को डिनर कराया था, जो मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, डिनर बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था, यही किचन का बना हुआ। तो अगर आप इधर आते हैं ना धर्मनगर में, डेफिनेटली आप एक ब्रेक ले सकते हैं इस जगह पर। ये फ्रेंड्स, धर्मनगर से उनाकोटी का जो रोड है, फिलहाल इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, इट इज 208A जो आपको लेके जाता है उनाकोटी तक। हालांकि यही रोड आपको वाया उनाकोटी अगरतला तक भी लेके जा सकता है, मतलब लेके जाता है, ओके। और क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट रोड है, इसलिए इस पर अब इसका एक्सपेंशन हो रहा है, आने वाले कम से कम 2 या 3 साल और लगेंगे इस रोड को थोड़ा बेटर होने में। तब तक तो बहुत ज्यादा
थप्पड़ है। ये रोड ऐसा ही है, चल 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 निकलता चल रास्ता बनेगा अपने आप। अरे हाय कितनी गंदी राइम करते हो वो। एक बात बताओ तुम, तुमने कभी जीवन में सोचा था ये त्रिपुरा के ऐसे एरियाज में, अरुणाचल के उन एरियाज में जहाँ घूमते हैं, नागालैंड, मणिपुर, भगवान ने चाहा कुछ दिनों में मिजोरम भी जाएंगे, सोचा था कभी तुमने ऐसा? मतलब कभी भी नहीं। तुमने सोचा था? तुम्हारी शादी मुझसे हुई, तुम मेरे साथ आए, इसलिए तुम इतना घूम पा रहे हो। वरना तो घूम ही नहीं पाता है। नहीं, वरना नहीं घूम पाते। आई सैल्यूट योर ओवर कॉन्फिडेंस। कितना गंदा है, पार्टी करने आए हैं तो फिर क्या गंदगी छोड़ के जाएंगे? हाँ सीरियसली यार। दोस्तों आज हमने एक रिस्क लेकर आए हैं, ऑनलाइन गूगल दिखा रहा है मंडे बंद रहता है, तो अपनी घर चल के देखते हैं, पैरों में गिर लेंगे अगर नहीं होगा, लेकिन खुला। लेकिन लोगों ने तो बोला था कि मंडे और ये सारे दिन ओपन रहता है। चलो गाइस, तो गाड़ी लग गई पार्किंग में, उनाकोटी के बाहर ये छोटे से ईटिंग स्टॉल्स हैं, आओगे तो थोड़ा बहुत खाने को आपको आराम से यहाँ पर मिल जाएगा। पार्किंग से मुश्किल से 50 मीटर सामने है मेन गेट, यहाँ से करेंगे हम एंट्री। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, उनाकोटी रिमेन्स ओपन ऑन ऑल डेज, ऑल वीक डेज। हालांकि गूगल मैप पे मैं अपडेट कर दूंगा, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो आप भी याद रखिएगा, हर दिन आप यहाँ आ सकते हैं। दिस इज द मेन गेट। सो हियर वी गो। नेहा इज ऑलरेडी देयर। हो गई एंट्री? हैप्पी? वेरी वेरी। उनाकोटी आकर आपको कैसा लग रहा है? मुझे ना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से यहाँ आना चाहती थी। और आपके कुत्ते फेल होने वाले हैं, मुझे ऐसा फील आ रहा है। यार इतनी सीढ़ियाँ, वाह। उनाकोटी, उनाकोटी कुछ भी बोलिए आप, कोटी मतलब करोड़, उना मतलब एक, यानी करोड़ में से एक कम। अब क्या है इस जगह की इम्पोर्टेंस, क्या है ये जगह, आइए आपको लेके चलते हैं अंदर। सुमित्रों, उनाकोटी का जो सबसे फेमस और सबसे इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है, और जो सबसे एंट्री में आपको देखने को मिलता है, वो है ये लॉर्ड शिवा की ये कार्विंग। एंड मेरा यकीन मानिए, ये वीडियो में और फोटो में उतनी अच्छी नहीं आ रही है जितनी ये हकीकत में देखने में अच्छी लग रही है। दोस्तों सच कह रहा हूँ मैं, ये इट्स अमेजिंग। इसका जो 3D दिख रहा है ना, मतलब सामने से टीथ, नोज, आंखें एंड लॉर्ड शिवा की जटाएं, नाइस। एंड यहां से आपको नीचे उतर के जाना है, ऊपर भी जगह पे, अलग अलग जगहों पे हैं कार्विंग्स। इस जगह की बहुत सारी लेजेंड्स हैं, बहुत सारे इसके साथ कहानियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो सबसे फेमस और जो सबसे इम्पोर्टेंट लेजेंड है वो ये है कि यहाँ पे शिव जी जब काशी के लिए जा रहे थे तो उनके साथ बहुत सारे देवी देवता आके जुड़ गए थे, यानी 99,99,999 देवी देवता उनके साथ आके जुड़े थे, और एक शिव जी खुद थे। वो जा रहे थे तो हॉल्ट के लिए वो इस जगह रुके थे, और हॉल्ट के लिए जब यहाँ रुके तो उन्होंने बोला कि सुबह सुबह होगी तो हम यहाँ से सारे निकलेंगे। अब जब सुबह हुई तो शिव जी के अलावा कोई उठा ही नहीं, तो ये देख के उनको थोड़ा क्रोध आ गया, और उसके बाद उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम सारे सो रहे हो तो तुम यही जड़ हो जाओगे। और इसीलिए यहाँ पे उनाकोटी मतलब एक करोड़ से एक कम सारे देवी देवता हैं, क्योंकि शिव जी उठ के फिर अकेले ही काशी चले गए थे। ये तो लॉर्ड शिव जी है ही, है ना, और इनके हाथ में त्रिशूल भी है, ये रहा, और उधर शेर के ऊपर वो माता है, नाइस। इस जगह आपको काफी सारी स्टेयर्स चढ़नी उतरनी पड़ेंगी दोस्तों, इसके लिए प्रिपेयर होकर आइएगा। नथिंग कम्स फ्री गाइस, मोर देन 200 स्टेयर्स यू हैव टू क्लाइम, एकदम स्टीप है। नो डाउट ऊपर चढ़कर आने में हालत खराब हो गई है, पर ऊपर से व्यू बहुत प्यारा है, नीचे का बहुत अच्छी जगह है दोस्तों, अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखी है, साफ सुथरी है, और मेंटेनेंस का काम और भी चल रहा है यहाँ पर। एंट्री फीस कुछ नहीं, जस्ट अपना नेम कीजिए, एंटर, दैट्स ऑल। पूरे हफ्ते खुला रहता है, सुबह 6 से लेके शाम को 5 बजे तक, आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। गूगल मैप पर जो टाइमिंग दिया हुआ है, प्लीज़ उस पर बिलीव ना करें, वो गलत है, कोशिश करूँगा उसको एडिट कर दूँगा।
टाइम यहाँ पर आपको अगर सुकून से घूमना है तो चाहिए कम से कम 2 घंटे, और अगर आप फास्ट स्पीड से घूम सकते हैं तो 1 घंटे में भी आप मेन मेन कार्विंग्स देखकर यहाँ से जा सकते हैं। धर्मनगर से दूरी 19 किलोमीटर, टाइम लगता है अभी करंटली जनवरी 2023 लगभग 45 मिनट, रोड बनने के बाद मुश्किल से 20 मिनट। एक कहानी तो अभी आपको बताई, दूसरी कहानी ये है कि ट्राइबल्स के अनुसार ये जो सारी कार्विंग्स और ये जो रॉक स्कल्पचर्स हैं ये एक कल्लू कुमार नाम के एक बंदे ने बनाई है। अब वो जो था वो आर्डेंट शिवा भक्त था, तो शिवजी जी ने उसको दर्शन दिए तो वो जिद पे अड़ गया कि आपके साथ अब मुझे कैलाश जाना है। अब शिवजी जी अपने भक्त की कैसे वो करते, तो पार्वती जी ने कहा कि अच्छा तुम्हें कैलाश जाना है तो ऐसा करो कि 1 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां तुम बना दो। बट उसमें एक कैच था कि एक ही रात में बना दो। पूरी रात भर उसने ये कार्विंग्स ये स्कल्पचर्स बनाए। सुबह हुई तो जब ये गिने गए तो उसमें 1 करोड़ में से 1 कम निकला, जिसकी वजह से वो उनके साथ कैलाश नहीं जा पाया। और ये कल्लू कुमार द्वारा बनाई गई ये जो जगह है ये यहीं हमारे लिए रह गई देखने के लिए। दोस्तों वन मोर थिंग, उनाकोटी इज नॉट जस्ट अ टूरिस्ट प्लेस, इट इज अ तीर्थ ऑल्सो फॉर लोकल ट्राइबल्स ऑफ त्रिपुरा। दिस प्लेस इज अ वेरी रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर लॉर्ड शिवा। शिवाइट्स के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। अशोक अष्टमी पे बहुत बड़ा मेला लगता है, और अभी संक्रांत पे मकर संक्रांति पे भी यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ पे लोकल्स आके यहाँ पे जो शिव जी जी की जो कार्विंग्स हैं उनको पूजते हैं, पूजा अभी भी जाता है। और यहाँ पे एक जो लोकल ट्राइब है शिव जी जी को कुछ शुभराय खूं बोलते हैं, जमातिया ट्राइब। कहानी तीसरा लेजेंड ये है लोकल ट्राइबल्स के अनुसार ही कि वो जो कल्लू कुमार था वो शिवजी जी का परम भक्त था, अपने आप को यही बोलता था। तो एक दिन शिवजी जी ने उसको दर्शन दिए और सपने में उससे तो उसने सपने में उनसे पूछा कि मैं इस जगह को ऐसा कैसे कर सकता हूँ कि काशी जैसी हो जाए। काशी जैसी मतलब काशी के समानांतर हो जाए कि लोग इसको काशी की तरह ही जाने। तो शिवजी जी ने कहा कि ठीक है तुम यहाँ पे देवी देवताओं की मूर्तियां बनाओ, और जब 1 करोड़ मूर्तियां बन जाएंगी तो ये काशी के समान पूजनीय हो जाएगी। कल्लू कुमार ने बनाना शुरू किया और एक रात की बात थी 99,99,999 बना दी, और एक मूर्ति अब कहते हैं कि एक उसने बचाई कि एक इसमें मैं अपना स्कल्पचर बनाऊंगा ताकि लोग मुझे याद रखें कि मैंने बनाया था उसकी। और इतने में ही सवेरा हो गया तो वो मूर्तियां करोड़ में से 1 कम ही रह गई, क्योंकि एक आखिरी मूर्ति उसको अपनी बनानी थी और वो बना नहीं पाया। तो एक ये लेजेंड भी है। ये इस जगह से जुड़ी बातें हैं, आप जब यहाँ आएंगे तो इन कार्विंग्स को देख के इन रॉक स्कल्पचर्स को देख के तो विस्मित हुए बिना तो आप नहीं रह पाएंगे, दैट्स फॉर श्योर। ऐसे थोड़ा सा और नीचे आइए तो आपको मिलेगी ये गणेश जी की मूर्ति, गणेश जी का मुंह, उनकी सूंड, उनके हाथ में कुछ यहाँ पर शस्त्र भी दिखाए जा रहे हैं, और कुछ 3 मूर्तियां उधर भी हैं। बट पानी ने इस जगह को विदाउट अ डाउट बहुत डैमेज पहुंचाया है दोस्तों। ये जो आपको बहता हुआ छोटा सा झरना नजर आ रहा है ना, मॉनसून टाइम पर ये एकदम बहुत वायलेंट फॉर्म में बहता है और बहुत बड़ा झरना बन जाता है, जिसकी वजह से लगातार यहाँ पर वेदरिंग हो रही है और धीरे धीरे ये जो रॉक कार्विंग्स हैं अपनी शेप खोती जा रही है। भारत के किसी भी कोने में जाओ इन गंवारों से आप अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। एक जगह जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्टार्ट होने वाली है, एंटर होने वाली है, उस जगह पर गंवारों ने अपने आने का पूरा सबूत दिया है। तो उनाकोटी का यहाँ पे हुआ टूर पूरा, बहुत अच्छी जगह थी। आई वॉज अमेज्ड टू सी सच रॉक कार्विंग्स एंड रॉक स्कल्पचर्स। हालांकि रॉक स्कल्पचर्स तो मैंने पहले भी देखे हुए, लेकिन रॉक कार्विंग्स तो वही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। बट द सैड पार्ट इज लाखों कार्विंग्स और स्कल्पचर्स में से मात्र 15-20 ही रह गए हैं, क्योंकि वेदर और अर्थक्वेक का इस पे प्रचंड प्रकोप रहा है। रॉक कार्विंग्स जो हैं वो अब टाइम के साथ डिग्रेड होती जा रही हैं। बहरहाल जगह बहुत अच्छी है, मस्ट कम। अर्ली मॉर्निंग आइए क्योंकि धूप बहुत तेज हो जाएगी तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठंड का टाइम है सो कॉल्ड, लेकिन तब भी यहाँ पे जब हम गए आए बहुत गर्मी लग गई। अब हम यहाँ से चल रहे हैं और आगे का सफर हम अपना करेंगे जम्पुई हिल्स के लिए। उससे पहले हम कुछ खाएंगे भी, तो आइए चलते हैं लेके आपको बाहर। मेन गेट के बाहर बस
एक छोटी सी दुकान है और खाने के लिए यहाँ पूड़ी सब्जी और पराठा मिल रहा है, नूडल्स भी है, ऑमलेट भी है, ऑमलेट भी है, मछली भी है, मछली नहीं है, मछली भी है ना, मछली तो असली है आज नहीं है, बहुत बढ़िया आसमान रहे ना, अच्छा मंडे नहीं होती। संडे को बहुत भीड़ रहती है हर टूरिस्ट प्लेस पे, आप सभी जानते हैं। उनाकोटी मंडे भी बहुत भीड़ रहती है क्योंकि मंडे शिवजी जी का दिन होता है और यहाँ पे आसपास के लोकल ट्राइबल्स यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं। और यहाँ पे जब हम आए थे तो सिर्फ हमारी गाड़ी थी और अब यहाँ गाड़ियों की लाइन लग गई है और अंदर लोग अपने साथ चीजें भी लेके आ रहे हैं क्योंकि बलि वगैरह भी दी जाती है, कोई छोटा बकरी, कोई मेमना, कोई मुर्गी, कुछ भी लेके आ रहे हैं बलि के लिए। तो मंडे भी है तो जब आए तो इसलिए कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग आ जाए। तो अब हम निकल चुके हैं जम्पुई हिल्स के लिए। जम्पुई हिल्स एक रेंज का नाम है और ये फेमस है अपने सनसेट और सनराइज के लिए और यहीं पे इन्हीं हिल्स में मिलती है त्रिपुरा की हाईएस्ट पीक। हालांकि उसकी हाइट काफी ज्यादा नहीं है बट स्टिल इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ त्रिपुरा। तो मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।